दर्शकों नमस्कार, मैं मनीष आशा टीवी संवाददाता अपनी सहयोगी उषा के साथ आज पहुंचा हूं अंबाला शहर विधानसभा के गांव नग्गल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी ग्रामीण जनता। तो सरकार ने यह मौका दिया है कि जो छोटी सरकार कहते हैं, जिसे गांव की सरकार कहते हैं, उसके चुनाव आ गए हैं, मोहरे बीत चुके हैं। आज चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुके हैं। तो मैं बातचीत कराने जा रहा हूं सरपंच पद की उम्मीदवार गांव नग्गल से, विधानसभा क्षेत्र अंबाला शहर से। तो अगली बातचीत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भावी सरपंच श्रीमती सिमरन जी। आप बताइए अपना। सभी ग्रामवासियों को मेरी नमस्कार, तहे दिल से राम राम। मेरा नाम सिमरनजीत है, मैं ग्राम पंचायत नग्गल से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव निशान दिलास है और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हमें जिताना है और देश के विकास, गांव के विकास को आगे बढ़ाना है। तो मैडम सिमरनजीत जी, आप का चुनाव चिन्ह गिलास आवंटित हुआ है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्राम नग्गल के चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ आप उतरे हैं, वो आखिर क्या मुद्दे हैं जिनके कारण आपको चुनावी लड़ लड़नी पड़ रही है, बताइए प्लीज। हम गांव का विकास करना चाहते हैं, एक स्वच्छ गांव बनाना चाहते हैं। सबसे पहले गली और नालियों की बहुत जरूरत है सफाई की, वो करेंगे। फिर जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी और बहुत जरूरतमंद परिवार बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड उनको जरूर पहुँचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे उन परिवार के। जैसे किसी के पास मकान की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, उनको पूरी हेल्प करेंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं कमाई का कोई बिल्कुल भी जरिया, हमने अपनी आंखों से देखा है, अकेले छत भी नहीं है, पता किस तरह बैठे हैं वो, बड़ा मन दुखी हुआ उनको देख के। ऐसे बंदों की हम खुल के हेल्प करेंगे, विकास करेंगे पूरे परिवार की तरह, अपने गांव में पूरा विकास करेंगे। और गांव में कंप्यूटर सेंटर लड़कियों के लिए, सिलाई सेंटर जो बाहर नहीं जा सकती करना चाहती है, उनकी इच्छा पूरी करेंगे, उनको काम भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। और घर में जो हाउस वाइफ है, बहनें हैं, बिल्कुल फ्री, वो किसी वजह से बाहर नहीं जा सकती, उनको काम देना चाहते हैं, वो करना चाहती है, उनकी कलह को भी उभारना चाहते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। मैडम, मैं अपनी सहयोगी के जरिए आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम नग्गल की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। तो मैडम उषा, आप मैडम से अपील कीजिए। हाँ जी सिमरनजीत, आप बताओ आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारी जनता से। हम जनता से चाहते हैं हमें भारी से भारी मात्रा में वोट दें और हम हमारे साथ मिल के गाँव का विकास करें और गांव में एक नई लहर ले, एक पहचान दे अपने गाँव जी। वेरी नाइस। तो सिमरनजीत जी, अभी गुरुपुरब आ रहा है, ठीक है? हाँ। तो आप अपने ग्राम वासियों को बधाई देना चाहोगी? हाँ जी, गुरुपुरब की सब गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई, कार्तिक पूर्णिमा की बधाई सब गाँव वासियों। थैंक यू मैडम। आपके साथ में विराजे हैं आपके पति देव। मैं चाहूँगा कि आपके लिए दो शब्द वो भी जनता से अपील के रूप में करें। तो श्री कृष्ण कुमार गोल्डी जी हमारे चैनल के माध्यम से
अपने गांव की जनता से मैडम के लिए वोट की अपील या जो भी कहना चाहें अपने विचार रखना चाहें। सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम और चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद। ऐसे असर हमारे गांव में हमने पहले भी अभी हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं है। हमने अपने गांव में 8 करोड़ रुपए की ITI बनवा के दिए और 82 लाख रुपए के करीब में हमने सभी धार्मिक स्थलों पर शेड बनवा के दिए हैं। उसके अलावा सर रविदास धर्मशाला के लिए हमने 11 लाख रुपए दिए हैं। पंजाबी धर्मशाला के लिए हमने 31 लाख की मतलब ग्रांट मंजूर कराई हुई है जिसमें से 19 लाख रुपए लग चुका है, 12 लाख रुपए अभी लगना है। गलियां नालियां इनकी तो गिरती नहीं है सर, ये तो हर बार टूटती हैं, नई नई बनती हैं। मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब बड़ी उसमें नहीं मानता क्योंकि ये तो हर बार बढ़नी है और ये तो हर मतलब ये लगा लो कि हर तिमाही पे छमाही पे उसकी रिपेयरिंग भी होनी है और जहाँ पे नई मतलब बढ़नी है तो वो नई भी बढ़ा रहे हैं। आगे के लिए जैसे आगे आने वाले टाइम में हम क्या करना चाहेंगे मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गाँव में सबसे बड़ी जो ज़्यादा सर समस्या आ रही है वो पानी की निकासी की है, पानी की निकासी की। और हमारे गांव में एक सबसे बड़ी जो मेन अब दिक्कत आ रही है, देखो सरकार का पहला लक्ष्य होता है पानी बिजली और सड़क, सड़क हमारी ठीक ठाक है जी, उसके बाद आएगा जी पानी, पानी हमारा दूषित है, उसके लिए हम नया ट्यूबवेल का इंतजाम करवाएंगे जी गांव के लिए। और उसके बाद आएगी जी अपनी ये समस्या है कोई भी लगा लो जैसे कि कलोनी वगैरह है जिस जो जो मकान टूटे हुए पड़े हैं लोगों के, पहले भी हमने काफ़ी दी है, मतलब अभी हमारे पास कोई पद नहीं है, उसके अलावा भी हमने मतलब काफ़ी दिया। जैसे हमने पिछले चार पाँच साल से कम से कम 70 से 80 लाख मतलब 70 से 80 BPL कार्ड बनवा के दिए हैं। उसके अलावा 80 से 82 हमने गरीब जनता की पेंशन लगवा के दिया जिनकी उम्र मतलब 60 साल क्रॉस कर गई थी या कोई मेडिकल में डिसेबल था उसकी लगवा के दिया। जैसे कई मतलब हमारे बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो हम उनके लिए आयुष्मान कार्ड की जैसे सर सरकार की स्कीम है हम उसमें भी 130 से 135 के करीब में हमने आयुष्मान कार्ड बनवा के दिया है। अभी 2011 के बाद सरकार का कोई सर्वे नहीं आया तो उसके बाद हम जैसे ही सर्वे आएगा तो जो और ज़रूरतमंद है परिवार है हम उनको भी ये सुविधा मुहैया कराएंगे। और इसके अलावा सर जैसे जैसे हमारे गांव में ना आजकल नशे का थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा चल गया है उसके लिए हम मतलब अपने जो ये नौजवान साथी है उनके लिए हम गांव में जिम वगैरह की व्यवस्था कराने का विचार कर रहे हैं। अगर हमें मतलब मौका मिला तो हम ज़रूर कराएंगे। जैसे हमारी बहनें हैं औरतें हैं मतलब माता हैं बुजुर्ग हैं वो सारे दिन घरों में रहती हैं और उनको मतलब ये लगा लो कि बाहर कहीं जा नहीं सकती तो उनके लिए स्पेशल हम जिम बनवाएंगे जी, उसको हम लेडीज फिटनेस क्लब भी कह देते हैं जी, ओपन जिम भी और बन जाता है जी, ये हम मुहैया कराएंगे जी। उसके अलावा हम सर पूरे गांव में गांव के सौंदर्यकरण के लिए लाइटिंग की व्यवस्था कराएंगे। मान लो हमने कोई अपना मैसेज किसी को देना है किसी भी परिवार को देना है तो हम सर एक तो कैमरा हर एक चौक पे CCTV कैमरा और एक सर उसके साथ माइक की व्यवस्था भी कराएंगे कि जिससे मान लो हमें किसी परिवार से बात करनी है और हम कई ऐसी जगह बैठे हैं कि उसके परिवार तक पहुंचने में हमें समय लग रहा है और हमारे पास से मतलब उसको मैसेज देना जल्दी है तो उसको सर हम अपने फ़ोन के माध्यम से उसको मैसेज देने के लिए उसके परिवार के साथ साथ ही साथ कॉन्टैक्ट कर पाए ऐसी व्यवस्था करवाएंगे हम। सर एक बार अपना चुनाव चिन्ह अपने ग्राम की जनता को हमारे चैनल के सर ऐसे है समक्ष दिखा दीजिए। हाँ जी जी सर ऐसे है ये मेरी मिसिज का चुनाव चिन्ह है गिलास और आप सभी दर्शकों से अगर आपका हमारे गांव में कोई भी लिंक है चाहे कोई रिश्तेदार है कोई भाई बंधु है उनको अपील करना। और सर नक्कल की ग्राम मतलब ग्राम लोगों ग्राम सभा ना ग्राम सभा कह रहा हूँ लोगों से ग्राम पंचायत के लोगों से अपील करता हूँ कि सर एक मौका देना हमें आप फिर गाँव का विकास देखना भी किस तेज़ी से बढ़ता है और पहले भी हमने तो किया है आगे भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका। हमारी सहयोगी उषा जी कुछ मैं श्री कृष्ण कुमार जी मैं आप
आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, जैसे ये नौजवान बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी, लड़कियां हैं, तो हाँ आप इन बच्चों के लिए जैसे ये नौकरियां नहीं मिलती है, कुछ करना चाहोगे? सर मैडम ऐसे है, हम अभी ना हमारे यहाँ पे ना IMT की सुनने में आ रहा है कि IMT लगेगी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, तो मैडम यहाँ पे वैसे ही रोजगार बढ़ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे वैसे ही रोजगार बढ़ जाएगा। उसके अलावा भी मैडम DC रेट पे सरकार की तरफ से अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें हम इनका अप्लाई कराएंगे, और हमारे गांव के बच्चे बड़े काबिल हैं, मतलब हम मतलब छोटे घरों से उठे हुए लोग हैं, तो हमारे गांव के इतने बच्चे काबिल हैं कि अगर इनको मौका मिले ना मैम, तो ये बहुत उपलब्धियों को छुएंगे। जैसे मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, मेरी बेटी ने 10th में 97% मार्क्स लिए हुए हैं, और 98, और प्लस टू में 96 के करीब में है बड़ी बेटी ने, छोटी बेटी ने भी मतलब 10th में 94% के करीब में मार्क्स लिए हुए हैं, और अभी प्लस टू में वो पढ़ रही है, वो अभी पढ़ाई में अच्छी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही मेरे सभी गांव वाले बच्चे ही हैं हमारे भी, मैं इनको भी कहूँगा कि जैसे हम पढ़ रहे हैं भाई तुम लोग भी पढ़ो। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो नहीं है वो शिक्षा अफोर्ड कर पा रहे, अभी हमारा भी उतना सर्कल नहीं है कि हम कुछ गाँव के लिए इतना कर पाए, क्योंकि ना तो हम किसी सर पद पे शिक्षा का स्तर तो आप इनके लिए बहुत कुछ करोगे? हाँ जी, हाँ जी, पहले भी सर मैंने तो मतलब इतना बड़ा मतलब 103 गांव है हमारे इस एरिए में, हमने 8 करोड़ की IT दवाई है अपने गांव को, मेरे बच्चे ने देखो पढ़ लिए जी, मैंने गांव के लिए तो दवाई है जी, बिल्कुल। उसके अलावा भी सर जैसे हमारा हॉस्पिटल है, बहुत ही सुंदर विचार है आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो आपको पता है कि कोई भी इंसान कोई भी माँ बाप हर एक लड़की के साथ साथ नहीं रह सकता, ये तो मैं सभी ग्राम वासियों को अपील करता हूँ कि जो गांव में लड़कियां हैं या कोई औरतें हैं उनको अपने माँ समझो, और जो बहन है उसको बहन समझो। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तभी तो अगला हमारी बहन की इज्जत करेगा, हमारी माँ की इज्जत करेगा, बिल्कुल साफ बात चीज है, तभी वो आगे बढ़ेंगे जी। अगर हम अपनी मानसिकता चेंज नहीं कर सकते तो फिर समाज को तो तभी चेंज हो सकते हैं, सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी ना, स्वयं को चेंज, स्वयं को चेंज करेंगे तभी हम समाज को चेंज कर पाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों को यही कहता हूँ कि अगर आपका कोई भी गांव नगर में कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बंधु है, और सभी ग्रामवासी नगर वालों से भी यही अपील करता हूँ कि मेरी मिसेज को एक मौका दे, हमारा चुनाव निशान गिलास है, सिर्फ एक मौका दो, अगली बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी विकास के काम के लिए, हम इतना विकास करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे ग्राम नगल के भावी सरपंच, धन्यवाद आपका हमारे आशा TV टीम के साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको दर्शकों को भी आने वाले दोनों पर्वों की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी सर बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार नमस्कार।